हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट टच के स्किन शाइनर के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि ये सॉफ्ट टच जो है वो पाकिस्तानी कंपनी है, इसलिए इसके प्राइस जो है बहुत ही रिजनेबल होते हैं। और ये जो स्किन शाइनर है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये आपकी स्किन को जो है वो शाइनी और ग्लोइंग बनाता है। इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसके अंदर वो लेमन है, और लेमन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है जो कि आपके कलर को फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको जब अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा इसके अंदर लेमन के साथ साथ जो है वो ग्लिसरीन ऐड है। ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर देती है, इसलिए ये लोशन जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और साथ ही साथ ग्लो देता है। अगर कंसिस्टेंसी देखें इसकी तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा जेल नुमा सा है, और अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ऑयली सी फील होगी, ग्रीजी सी हो जाएगी, इसलिए आपने बहुत थोड़ी मिकदार में इसको यूज़ करना है। ऑयली स्किन वाले जो है वो इसे 20 से 25 मिनट्स के लिए अप्लाई करें तो बेहतर है, चाहे वो क्रीम में मिक्स करके यूज़ कर रहे हों, स्क्रब में मिक्स करके यूज़ कर रहे हों, या फिर जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हों तो कम टाइम के लिए लगाएं। ये 120 ml की बॉटल है, इसके प्राइस भी सेम इसी तरह 100, 120, 150 इस तरह से आपको ये मार्केट में मिल जाती है, और ये मार्केट में जो है वो इजीली अवेलेबल हैं। पार्लर वगैरह में जो है वो ब्लीच में और स्किन पॉलिश वगैरह में जो है यही जो है स्किन शाइनर ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका ब्लीच का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है, और आपकी स्किन ब्लीच करने के बाद बहुत ज़्यादा शाइन और करती है, ग्लो कर दे रही होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि फेशियल का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, ब्लीच का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो वो यही वजह है, उसका सीक्रेट यही है, जो ग्लो आता है वो इसी शाइनर से आता है। अब बात आती है कि हमें ये लोशन कैसे यूज़ करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लीच बना रहे हो तो इसके जो है वो 7 to 8 ड्रॉप्स या एक चाय का चम्मच जो है वो आप लेकर जो है अपने मिक्सर में मिला लें, तो ब्लीच के बाद जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। इसके अलावा जो है वो आप फेस पॉलिश में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे स्क्रब में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। सेकेंड ईयर ये है कि आप जो है इसको जो है वो रात को किसी भी क्रीम में, कोई भी अगर आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं तो आप उसमें इसके कुछ ड्रॉप्स मिलाएं और उसको अप्लाई करके सो जाएं, और सुबह जो है फेस वॉश कर लें तो भी ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा।